हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। एंड मैं हूं आपकी दोस्त मंजूसो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वाले मिरर वॉल हैंग को बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूं। गाइस, काफ़ी टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे कुछ मिरर वॉल हैंग के डिज़ाइन शेयर किए थे, जिसमें से इस पिंक वाले को बनाने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। सो मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स बोल रहे थे कि इसे कैसे बनाना है, मैं बनाकर दिखाऊं। तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं इसके बनाने की वीडियो लेकर आई हूँ। एंड जैसा कि आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि बिग साइज़ वाला ही बताऊँ मैं, तो ये बहुत ही बिग साइज़ वाला मिरर वॉल हैंग है गाइस। एंड इस बार मैंने कलर चेंज कर रखा है, पीच एंड सी ग्रीन का मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हो। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसे बनाने के लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, मटेरियल क्या क्या लगेंगे, बाकी सारी डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने माइक्रेम के 4 बंडल कॉर्ड लिए हैं, 2 पीच कलर के और 2 सी ग्रीन कलर के। ये हमारे 4 बंडल कॉर्ड लगेंगे हमें यहाँ। एंड दो मैंने 10 इंच का यहाँ पर रिंग लिया है, ये दोनों हमारे 10 इंच की रिंग है। एंड ये 4 इंच का रिंग है एंड ये 2 इंच का रिंग है। एंड लाइटर या कैंडल आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। इसके बाद से मैंने मिरर लिया, ये भी हमारा 10 इंच का है। एंड इसी के नाप से मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड कट कर रखा है ताकि बैक साइड से हमारा मिरर ख़राब ना हो जाए। एंड इसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वुडन स्टिक लिया है, सीजर लिया है। मैं आपको मिरर एक बार इंची टेप से मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 10 इंच का हमारा मिरर है। सो मैं बिग वाला मिरर वॉल हैंग बताने वाली हूँ। एंड ये 10 इंच के हमारे वुडन स्टिक है, 2 सीजर है। एंड यहाँ पर ये बीड्स मैंने लिया है, 2 कलर का लिया है, 50-50 ग्राम, यानी टोटल 100 ग्राम हमें इस प्रकार के बीड्स लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं। एंड यहाँ पर बिग साइज़ का मैंने इस प्रकार का रेड कलर का बीड्स लिया है, ये हमारे बिग साइज़ के हैं। तो 8 पीस हमें बिग साइज़ के बीड्स लगेंगे। एंड यहाँ पर इस प्रकार के मैंने बेल्स लिए हैं, 2 कलर में लिए हैं, 13-13 पीस, यानी टोटल 26 पीस हमें बेल्स लगेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये मैंने 2 इंच का रिंग लिया है और 1.5 मीटर का मैंने कॉर्ड कट किया है। एंड इस प्रकार से इसे हमें रिंग में कवर करना होगा। मैंने ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, बट जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसे बता रही हूँ। सो गाइज, इस प्रकार से आपको रिंग में से ऐसे ही कवर कर लेना है पूरे रिंग को, ताकि आपकी जो रिंग है वो दिखाई ना दे। सो मैं बैंगल यूज़ करती हूँ, अगर आपके पास बैंगल ना हो तो आप रिंग का यूज़ करना, 2 इंच का रिंग। एंड इस प्रकार से आपको रिंग को तैयार कर लेना होगा यहाँ पर। एंड ये आप देख सकते हो मैंने रिंग को पूरा कवर कर लिया अच्छे से। एंड इसमें अपने कॉर्ड को अटैच किया, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 5 पीस यहाँ कॉर्ड अटैच किया और ये सारे कॉर्ड हमारे 6 मीटर के हैं। एंड ये मैंने पीच कलर का कॉर्ड लिया है, ये भी हमारा 6 मीटर का है। तो सभी कॉर्ड हमने 6 मीटर के ही यहाँ अटैच कर रहे हैं गाइस। एंड इस प्रकार से आपको दोनों सिरे मिलाते हुए डबल कर लेना होगा। एंड इस रिंग में आपको इस प्रकार से अटैच करना होगा। सो पीच कलर वाला हम यहाँ 6 पीस अटैच करने वाले हैं और 5 पीस मैंने ऑलरेडी ग्रीन कलर के अटैच कर रखे हैं। एंड यहाँ पर 6 पीस के आप देख सकते हो, यहाँ पर 6 पीस मैंने पीच कलर का अटैच कर लिया है। एंड उसके बाद से अब हम यहाँ पे वापस से ग्रीन कलर का अपना 5 पीस अटैच कर रहे हैं। तो टोटल हमने 10 पीस यहाँ पर ग्रीन कलर के और 6 पीस हमने पीच कलर के अटैच किए हैं और सभी कॉर्ड हमारे 6 मीटर के हैं। एंड यहाँ पर ये बीच वाला मैंने जो पीच कलर के हमारे कॉर्ड गए हैं, इसमें से जो बीच वाला 2 कॉर्ड है इसे हमने इस प्रकार से लेना है। एंड इसमें ब्लू कलर का मैं यहाँ बीट अटैच कर रही हूँ। सो बीचों बीच वाले हमने 2 कॉर्ड को लेते हुए उसमें बीट को इस प्रकार से अटैच कर लेना है। पास से मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस, ये आप देख सकते हो। एंड फिर से हम सिंपल वाली नॉट लगा देंगे, 4 कॉर्ड से जैसे हमारी नॉट लगाई जाती है सेम वही वाली सिंपल वाली हमें नॉट लगानी होगी। एंड इसके अलावा मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, आप वहाँ से भी इसके मटेरियल की सारी जानकारी ले सकते हो गाइस। सो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सिंपल वाली नॉट लगा दी है। एंड जो बीच में हम नॉट लगाते हैं तो 4 कॉर्ड हमारी आती है, तो इसे हम 2-2 पार्ट में इस तरह दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट डिवाइड कर लेंगे। एंड इस पर हम अपने बाकी के कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हो मैंने लेफ्ट कर दिया, मैं राइट भी इसी प्रकार से पाइपिंग करूँगी। एंड जो सेकेंड वाला है मैं उस पर पाइपिंग करके दिखा रही हूँ, 1 एंड 2। तो एक कॉर्ड से हमें 2 बार यहाँ पर लपेटा लगाया है, 2 टाइम। तो इसी प्रकार से आपको पाइपिंग करना होगा लेफ्ट एंड राइट। ये आप देख सकते हो इस साइड कर लिया मैंने और इस साइड भी मैं इसी प्रकार से करूँगी गाइज। सो यहाँ पर इस साइड भी मैंने कर लिया दोनों तरफ, तो आप देख सकते हो मैंने एक एक कॉर्ड में कर रखा है। अब एक और कॉर्ड है इसके नीचे, तो हमने उसमें भी हम इसी प्रकार से पाइपिंग करेंगे सेम टू सेम। तो इस साइड आप देख सकते हो ऐसे ही हमें दोनों कॉर्ड पे पाइपिंग करना होगा। एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है सो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देने से आप लोग को समझ में नहीं आता है।
सो इस वजह से मैं चाहती हूँ आप अच्छे से समझ भी जाओ और वीडियो भी ज़्यादा फास्ट ना हो और लॉन्ग भी ना हो। तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ और यहाँ आप देख सकते हो मैंने दो कॉर्ड को पिन कर लिया और जो बीच वाले हमारे कॉर्ड थे उसमें से हम जो ये बीच के हमारे जो दोनों तरफ हमने चार चार कॉर्ड को डिवाइड कर रखा है एंड उस प्रकार से हम बीच के कॉर्ड को लेते हुए पाइपिंग कर रहे हैं। ये अब देख सकते हो तीन कॉर्ड हमारे इस साइड हैं और तीन कॉर्ड चार कॉर्ड हमारे इस साइड थे तो उसमें से एक कॉर्ड को लेते हुए हमने पाइपिंग कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पास से मैं दिखा देती हूँ, ये अब देख सकते हो थ्री कॉर्ड इस साइड आए हैं हमारे पाइपिंग के और थ्री कॉर्ड उसमें से मैं वन कॉर्ड को ले रही हूँ और फिर से पाइपिंग कर रही हूँ। हम रोज़ वाला डिज़ाइन डाल रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों को आता भी होगा रोज़ वाले के हमने बहुत सारे बैग बनाए हैं। सो ये हमारा यहाँ रोज़ वाला मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने दोनों कॉर्ड का पाइपिंग कर लिया, अब इस साइड भी मैं ऐसे ही पाइपिंग करूंगी। सो ये इधर भी मैंने पाइपिंग कर लिया। अब बीच में हमारे चार कॉर्ड आ गए हैं तो इन चारों कॉर्ड में हम अपने यहाँ जो है सिंपल वाली नॉट लगा रहे हैं। सो इस प्रकार से हम सिंपल वाली नॉट लगा लेंगे और फिर जो हमारे चार कॉर्ड आएंगे तो उससे हम दोनों तरफ डिवाइड करके पाइपिंग करेंगे दो दो। तो इस साइड हम दो कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे, इस प्रकार से आपको पाइपिंग करना होगा। तो एक कॉर्ड से हम दो बार इस प्रकार से लपेटा लगाते हैं, वन एंड यहाँ पर टू टाइम हम लपेटा लगाते हैं तो हमारी पाइपिंग हो जाती है। सो ऐसे ही मैं सभी कॉर्ड का लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ पाइपिंग कर लूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो तो मैंने दोनों साइड पाइपिंग कर रखा है और ये जो बीच के कॉर्ड हमारे यहाँ हैं इससे भी हम एक दूसरे पर इस प्रकार से पाइपिंग कर लेंगे ताकि हमारा यहाँ पर ये पैक हो जाए अच्छे से। तो ये आप देख सकते हो फ्लावर्स का यहाँ पे आपको कली जैसा दिख रहा होगा तो ये हमारा रोज़ वाला डिज़ाइन है एंड इस प्रकार से आपको अभी बाकी के कॉर्ड को इधर इस पर पाइपिंग करना होगा। सो आप देख सकते हो मैंने दोनों तरफ पाइपिंग कर लिया है एंड जो बीच में हमारे दो कॉर्ड आए हैं अब हम उन्हें भी एक दूसरे पर पाइपिंग करेंगे। बट उससे पहले आपको प्रेस करते हुए जो बीच का नॉट है उसे ऊपर उठा देना होगा ताकि ये बिल्कुल रोज़ की तरह दिखे। तो जब आप पीछे से प्रेस करते हो तो ये कुछ इस प्रकार से रोज़ का शेप ले लेता है, बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। एंड मैंने पाइपिंग कर दिया है एंड जो ये वाले कॉर्ड है हमारे ग्रीन कलर वाले इस पर हम ये जो पीच वाले कॉर्ड है सभी को इधर लेफ्ट साइड के लेफ्ट और राइट साइड के राइट साइड पाइपिंग करेंगे। चार चार यानी एट कॉर्ड हमारे पास होंगे। सो इस साइड आप देख सकते हो ये जो चार कॉर्ड थे इसको मैंने इस पर पाइपिंग कर लिया। अब इस साइड भी हमारे चार कॉर्ड हैं इनको भी हम इस पर इस ग्रीन वाले पर पाइपिंग करेंगे और दोनों तरफ से मैंने पाइपिंग कर लिया है। एंड ये जो बीच के हमारे कॉर्ड है इसमें हम बीट अटैच करेंगे, रेड कलर का मैं यहाँ बीट अटैच कर रही हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, मैंने 6 मीटर के सभी कॉर्ड कट किए थे जिसमें से कुछ कॉर्ड हमें छोटे पड़ जाएंगे तो बाद में हम वहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अटैच करेंगे कॉर्ड। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको उसे अच्छे से बता दूंगी। एंड बीट अटैच कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो चार चार कॉर्ड को हमने ले लिया है, चार ग्रीन कलर का और चार पीच कलर का और इस प्रकार से हम सिंपल वाली नॉट लगा लेंगे। एंड अब हम एक और कॉर्ड को लेते हुए इस प्रकार से पाइपिंग करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से आपको पाइपिंग करना होगा। एक कॉर्ड को मैंने ले लिया है और ये जो हमने 8 कॉर्ड से नॉट लगाया था उसमें से चार चार कॉर्ड को डिवाइड करके हम पाइपिंग कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको पाइपिंग करना होगा। सो मैंने ये चार कॉर्ड को इस पर पाइपिंग कर दिया और जो इस साइड से मैं ये वाले ग्रीन कलर पर इन चार कॉर्ड को जो पीच कलर के इनको पाइपिंग करूँगी। तो इस प्रकार से हमारा चौकोर बॉक्स टाइप का यहाँ तैयार हो जाएगा। तो इस साइड से भी मैंने पाइपिंग कर दिया है एंड यहाँ पर भी हमारे फिर से वापस से आप देख सकते हो 8 कॉर्ड आ गए हैं एंड ये जो कॉर्ड आए थे बीच में दो इसमें हमने बीट अटैच कर दिया रेड कलर का, आप देख सकते हो। सेम ऐसे ही हम इस साइड भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम ऐसा ही डिज़ाइन इस साइड भी बनाया है एंड यहाँ पर मैंने लीफ का डिज़ाइन बनाया है। सो यहाँ पर ये वाला रोज का डिज़ाइन हमें बनाना होगा। तो इसे बनाने के लिए इस प्रकार से आपको दो कॉर्ड को बीचों बीच वाले लेते हुए सिंपल सी पाइपिंग करनी होगी। सो इन सभी कॉर्ड को मैंने इस पे पाइपिंग कर दिया। अब इस साइड से मैं ये 3 कॉर्ड को लेते हुए इस वाले कॉर्ड को ले लूंगी और इधर के 3 कॉर्ड को इस पे पाइपिंग कर दूंगी। तो मैंने दोनों तरफ पाइपिंग कर दिया। अब बीच में हमारे पास अभी और भी कॉर्ड है तो इनसे भी हम एक बार और भी पाइपिंग करेंगे।
ताकि बीच में जब हमारे 4 कॉर्ड आ जाएंगे तो हम सिंपल सी नॉट लगा देंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बता रखा है सेम वही डिज़ाइन रोज़ वाला हमें डालना होगा। तो एक साइड लगा ली, अब मैं इस साइड भी लगाऊंगी ऐसे ही पाइपिंग। सो इस साइड भी मैंने पाइपिंग कर दिया, बीच में हमारी 4 कॉर्ड आ गई हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल वाली नॉट लगा रही हूँ। एंड जो इस साइड के हमारे ये जो कॉर्ड हैं इनको मैं इस पर इस प्रकार से जैसे ऊपर हमने बता रखा था वैसे ही आपको पाइपिंग करना होगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इन दोनों कॉर्ड को इस पर ये दोनों कॉर्ड पाइपिंग होगा हमारे इस कॉर्ड पर। सो इस साइड से मैंने पाइपिंग कर रखा है ये दोनों कॉर्ड, इस साइड से भी हम सेम ऐसे ही ये दोनों कॉर्ड को इस पर पाइपिंग करेंगे। सो मैंने इस साइड से भी पाइपिंग कर लिया है। एंड अब हम ये दोनों कॉर्ड को एक दूसरे के साथ पाइपिंग कर देंगे। सो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास डिज़ाइन तैयार हो गया है। एंड इधर इधर के कॉर्ड से भी हम इस पर पाइपिंग कर लेंगे, जो 3-3 कॉर्ड आपको दिख रहे होंगे इनको भी पाइपिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पाइपिंग करते हुए हम आ गए हैं। फिर से हम इसे पाइपिंग करने से पहले बैक साइड से ये जो है इसे प्रेस करना होगा नॉट को, तो ये ऊपर की साइड उभरी हुई दिखती है जिससे रोज़ का डिज़ाइन आता है खुलकर। तो इस प्रकार से करते हुए अब आपको नॉट लगाने पाइपिंग कर लेना होगा। सो यहाँ पर मैंने दूर अब ये जो लीफ का डिज़ाइन मैंने डाल रखा है सेम वो डिज़ाइन मैं यहाँ भी डालूँगी। सो यहाँ पर से मैंने 4 कॉर्ड थे उसमें से ये अब देख सकते हो एक कॉर्ड को ले लिया है एंड ये 4 कॉर्ड को मैं इस पर पाइपिंग करूँगी। सो मैंने पाइपिंग कर लिया। अब इस साइड से भी मैं यहाँ जो 4 कॉर्ड आएंगे इसमें से एक कॉर्ड को लेते हुए इन 3 कॉर्ड को इस पर पाइपिंग करूँगी। सो इसको इस पर पाइपिंग कर लेना होगा। एंड मैंने पाइपिंग कर लिया। अब इसी प्रकार से इस साइड हम पाइपिंग करेंगे। अब इसमें के कॉर्ड को लेते हुए जो इधर के कॉर्ड हैं इसको लेते हुए इन 3 कॉर्ड को हम इस पर पाइपिंग करेंगे। और ये बाकी के 2 कॉर्ड भी हम इसी प्रकार से पाइपिंग कर लेंगे। इस साइड हो गया अब हमारा। अब हम इस साइड पाइपिंग करने के लिए इस साइड के कॉर्ड को लेंगे और इधर के जो 2 कॉर्ड हैं इसको इस पर पाइपिंग कर रहे हैं। एंड इस प्रकार से मैंने पाइपिंग कर लिया। अभी हमारे पास 4 कॉर्ड पड़े हैं तो इसमें से मैं 2 कॉर्ड में से एक कॉर्ड ले रही हूँ और इस साइड के 2 कॉर्ड को इस पर पाइपिंग करूँगी। सो मैंने पाइपिंग कर लिया। अब इस साइड आपको एक कॉर्ड दिख रही होगी, इस साइड 2, तो मैं इस साइड के एक कॉर्ड को लेते हुए इधर के 2 कॉर्ड को इस पर पाइपिंग कर दूंगी। एक कॉर्ड थे हमारे पास। एंड बीच में इस प्रकार से जब एक लास्ट में आ जाएगा तो आपको एक दूसरे पर पाइपिंग कर लेना होगा इस प्रकार से। सो मैं तब तक पाइपिंग करते रहना जब तक कि हमारे सारे कॉर्ड लास्ट में आकर ख़त्म ना हो जाए एक दूसरे पर। आप देख सकते हो बहुत ही इजी से बन जाएगा। आप ट्राई करोगे तो हो सकता है आपको देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, बट आप ट्राई करोगे तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है। एंड इस प्रकार से हमारा लीफ यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। सो गाइस आगे के डिज़ाइन के लिए हम अपने दोनों तरफ के जो पीच कलर के कॉर्ड है उसमें हमने ब्लू कलर के यहाँ बीट अटैच कर लिए हैं। एंड यहाँ पर जो हमने रेड कलर के बीट अटैच किए थे उसमें जो 2 ग्रीन कलर के कॉर्ड थे उन्हें हम लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ ऐसे 4-4 कॉर्ड को जो पीच कलर वाले उन्हें हम पाइपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो 4 कॉर्ड आपको दिख रहे हैं पीच कलर के इन्हें हम इस ग्रीन कलर वाले कॉर्ड में पाइपिंग कर लेंगे अच्छे से। सो इसी प्रकार से हम दोनों साइड पाइपिंग करेंगे। एक साइड मैंने कर दिया, अब इस साइड भी हम सेम ऐसे ही पाइपिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो ये 4 कॉर्ड है, इन्हें भी हमें इस पर पाइपिंग करना होगा ताकि यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है कम्प्लीट हो जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों तरफ मैंने पाइपिंग कर लिया अपने पीच कलर के कॉर्ड को और यहाँ पर जो हमारे पास 2 कॉर्ड एक कॉर्ड ग्रीन कलर के भी बचे हुए हैं उन्हें हम ये वाले जो 4 ग्रीन कलर के कॉर्ड हैं इन्हें भी हम यहाँ अटैच कर देंगे अच्छे से पाइपिंग करके। सो यहाँ पर एक शेप बन जाएगा फिर से आपका डिज़ाइन। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये 4 कॉर्ड हैं एंड इधर से जो ये कॉर्ड हैं इन्हें हम इस पर पाइपिंग करेंगे। सो गाइस इस साइड के मैंने 4 कॉर्ड को पाइपिंग कर लिया और जो ये 4 आपको ग्रीन कलर के कॉर्ड दिख रहे हैं उन्हें हम इस पीच वाले जो हमारे ऊपर से आ रही हैं कॉर्ड उन पर हम इसे इस प्रकार से पाइपिंग करेंगे।
सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट अपने पीच कलर के कॉर्ड पे चारों को पाइपिंग कर लिया। अब सेकंड भी मैं अपने पीच कलर वाले कॉर्ड पे पाइपिंग करूँगी और ऐसे ही सेम इस साइड भी हमें पाइपिंग करना होगा। तो मैंने सेकंड वाले भी कॉर्ड पे पाइपिंग कर लिया और जो हमारी एक और पाइपिंग वाली कॉर्ड आ रही थी ग्रीन कलर की, उससे भी हम इस पर पाइपिंग करके बाहर निकाल देंगे। तो पहले हमारे चार कॉर्ड बाहर की तरफ थे, अब हमारे फाइव कॉर्ड आप देखोगे तो बाहर की तरफ निकल चुके होंगे। ऐसे ही करके धीरे धीरे आपके सारे ग्रीन कलर के कॉर्ड बाहर की तरफ आ जाएंगे। एंड अब हम अपने ग्रीन कलर के कॉर्ड में बीट अटैच कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं रेड कलर का बीट अटैच कर रही हूँ, ये आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर ये जो चार कॉर्ड आपको दिख रहे होंगे, जैसा ऊपर हमने ये वाली नॉट लगाई है, सेम यही नॉट मैं यहाँ भी लगाऊंगी। दो दो कॉर्ड को पकड़ते हुए बीच में हमारे चार कॉर्ड होंगे और साइड से हम दो दो कॉर्ड को लेंगे और इस प्रकार से सिंपल वाली नॉट लगा देंगे। सो इस प्रकार से आप देख सकते हो मैंने नॉट लगाई, इस साइड भी हम ऐसे ही नॉट लगाएंगे। यहाँ पर जैसे लगा रखी है वैसे ही हमें दोनों तरफ नॉट लगा ली है। एंड ये जो हमारे कॉर्ड अब आ रहे हैं, इन सभी को हमें इस पर इस प्रकार से जो चार ग्रीन कलर के कॉर्ड दिख रहे होंगे, इन दोनों पे हमें पाइपिंग करना होगा वन बाई वन। तो मैंने ये आप देख सकते हो दोनों पर पाइपिंग कर लिया है और सारे ग्रीन कलर के कॉर्ड बाहर की तरफ निकल चुके हैं हमारे। एंड ये जो बीच में ग्रीन कलर था इसमें मैंने बीट अटैच किया था, अब इस पर हमें ये जो पीच कलर वाले कॉर्ड हैं इन्हें पाइपिंग, ये जो चार कॉर्ड हैं हमारे पीच कलर के, अब इस वाले ग्रीन वाले पर मैं अटैच करूँगी। तो इसे पाइपिंग कर लेना होगा, तो मैंने इस साइड पाइपिंग कर दिया, सेम ऐसे इस साइड भी हमें पाइपिंग करना होगा। जब आप पाइपिंग कर लोगे तो देखोगे कि बीच में आपके सारे पीच कलर वाले डिज़ाइन आ गए हैं, कॉर्ड आ गए हैं, सॉरी सारे पीच कलर वाले कॉर्ड आपके बीच में चले जाएंगे एंड ग्रीन वाले सारे हमारे बाहर की तरफ निकलते जाएंगे। तो इस साइड से भी जब हम इसे पाइपिंग करेंगे तो ये ग्रीन कलर वाला भी हमारा बाहर चला जाएगा इस प्रकार से, चार कॉर्ड को जब इस पर पाइपिंग करेंगे आप। तो हमारे ये कॉर्ड सारे ग्रीन वाले मैंने बाहर की तरफ पाइपिंग कर दिया है दोनों पे वन बाय वन। एंड जो अंदर हमारे ये सारे पीच कलर के कॉर्ड दिख रहे हैं, अब सेम रोज वाला डिज़ाइन हम यहाँ भी डालेंगे एंड अपने डिज़ाइन को यहाँ बंद कर देंगे इस प्रकार से। तो सेम डिज़ाइन डालना है तो मैं दिखाऊँगी नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो सेम डिज़ाइन मैंने डाल लिया है। एंड अब हमें ऊपर की तरफ जैसा कि हम पाइपिंग करते आ रहे हैं दोनों कॉर्ड पे वन बाय वन पाइपिंग कर लेंगे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ के। तो इस प्रकार से यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा हमारा डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस प्रकार से पाइपिंग कर लिया है। एंड पाइपिंग करने के बाद यहाँ पर मैं बीट अटैच कर रही हूँ, ब्लू कलर का मैंने लिया है। एंड उसके बाद से ये मैंने वुडन स्टिक लिया है, इतने बीच के दो कॉर्ड में ब्लू कलर के बीट अटैच किए, उसके बाद से मैं ये अपना कॉर्ड ले रही हूँ एंड ये अपने वुडन स्टिक पर इसे इस प्रकार से आपको अटैच करना होगा सभी कॉर्ड को। सो हमने सभी कॉर्ड को इस पर इसी प्रकार से अटैच कर दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड अटैच हो जाने के बाद अब हमें इस प्रकार से डिवाइड करना होगा, ये जो बीच के कॉर्ड है इधर से साइड से हम फाइव कॉर्ड यहाँ पर ले लिए हैं एंड इस साइड से भी फाइव कॉर्ड मैंने अलग कर दिया है। एंड बीच में हमने दो कॉर्ड रखे हैं पीच कलर के। एंड ये वाले जो हमारे बीट हैं इससे हमें ये बीच के जो दो कॉर्ड है इसमें अटैच करना होगा, यहाँ पर ब्लू रेड एंड ब्लू करके मैंने थ्री बीट यहाँ अटैच किया और ये जो फाइव कॉर्ड थे हमारे इसमें हम ये बिग साइज वाला बीट अटैच करेंगे। और ये हमारे फाइव कॉर्ड है इसीलिए हमने बिग साइज का बीट लिया था, क्योंकि अगर आप स्मॉल साइज या मीडियम लोगे तो उसमें ये फाइव कॉर्ड नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये वाले सारे बीट सारे कॉर्ड को मैंने इस वाले बीट में अटैच कर दिया। अब यहाँ भी जो टेन कॉर्ड होंगे उसको फाइव फाइव डिवाइड करके और सेम वैसे ही बीट अटैच करेंगे। ये आप देख सकते हो ये फाइव कॉर्ड है गाइज, इसीलिए हमने बिग वाले बीट यहाँ पर अटैच किए हैं। इसी प्रकार से हम पूरे अपना जो कॉर्ड है इस सभी को बीट में अटैच कर लेंगे। एंड इसके बाद से मैंने 10 नंबर की यहाँ पर अपनी 10 इंच की जो रिंग होती है उससे ली है एंड इस प्रकार से अब हम इस पर रिंग को अटैच कर देंगे टू टाइम का पेटा लगाकर। सो मैंने यहाँ पर रिंग अटैच कर दिया है एंड इस वाले से अब हमें डिज़ाइन डालना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फाइव कॉर्ड हैं, तो इसमें से आप देख सकते हो मैंने फोर कॉर्ड को इस प्रकार से एक तरफ कर दिया है एंड ये वन कॉर्ड को पकड़ते हुए ये जो चार कॉर्ड है हमारे पास उनको इस पर पाइपिंग करना है, वन बाय वन हम पाइपिंग करेंगे। सो पाइपिंग करने का तरीका देख लो गाइस, आपको अंदर से बाहर की तरफ करना है।
ताकि आपके कॉर्ड बाहर की तरफ जाए। तो इस प्रकार से आपके कॉर्ड होने चाहिए बाहर की तरफ, और ये वाला कॉर्ड आपका अंदर की तरफ जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। एंड यहाँ पर हम चार कॉर्ड लेंगे और सिंपल वाली नॉट लगाएंगे। सो यहाँ पर मैंने सिंपल वाली नॉट लगा दी है। एंड ये जो बीच में हमारे दो कॉर्ड हैं, इसे हम लेफ्ट एंड राइट डिवाइड करके सभी कॉर्ड को इस पे पाइपिंग कर देंगे। सो इस साइड मैंने सभी कॉर्ड को पाइपिंग कर दी। अब इस साइड भी हम सेम इसी प्रकार से सभी कॉर्ड को इस पे पाइपिंग कर देंगे। सो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ कॉर्ड को पाइपिंग कर लिया है। एंड जब ये जो ये वाला हमारा डिज़ाइन है साथ साथ बनेगा, सो इसलिए मैं दोनों को साथ साथ बनाती चल रही हूँ। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे कैसे सूट करूँ, सो मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, बस आपको इस प्रकार से रिंग में इसको ऐसे फंसाना है इस कॉर्ड को कि ये आपका ये कॉर्ड इस रिंग में फंस जाए। इस प्रकार से आप देख सकते हो, मैं इस कॉर्ड को इस प्रकार से इस रिंग में फंसा रही हूँ। तो हमारा कॉर्ड इस रिंग में फंस चुका है, मैं पास से कैमरा को कर दिया। एंड ये जो थ्री कॉर्ड है इस तरफ के, टोटल चार कॉर्ड हैं, तो उसमें से थ्री कॉर्ड में मैं ये बीट अटैच कर रही हूँ। अगर आपकी बीट मीडियम साइज़ की है और चारों कॉर्ड में आ जाए तो आप चारों में डाल देना, बट मेरे में नहीं आ रहे थे, बहुत मुश्किल से जा रहे थे, तो मैं यहाँ पे थ्री कॉर्ड में डाल रही हूँ। एंड जो चार कॉर्ड हैं उनसे हम अब इस वाले जिसको हमने रिंग पे अटैच किया था उससे हमें उसी पर इसे पाइपिंग कर रहे हैं इस प्रकार से। सो मैंने थ्री कॉर्ड को इस बीट में इसीलिए अटैच किया क्योंकि मेरे जो कॉर्ड थे वो नहीं आ रहे थे, फोर कॉर्ड इस बीट में नहीं आ रहे थे। सो अगर आपके आ जाए तो आप चारों में डाल लेना। एंड इस प्रकार से आप देख सकते हो, जब मैंने यहाँ पर आ रही हूँ तो इस प्रकार से अब यहाँ फंसाऊँगी। एंड यहाँ पर ये जो कॉर्ड है इसे इस प्रकार से आपको दो दो कॉर्ड साइड से लेते हुए सिंपल वाली नॉट लगानी होगी। सो यहाँ पर मैंने सिंपल वाली नॉट लगा ली और इसको कुछ इस प्रकार से आपको फंसा लेना है। एंड इस इधर कॉर्ड को बीचों बीच से डिवाइड करके, ये देख सकते हो आप चार कॉर्ड को हम इस साइड पाइपिंग कर रहे हैं। तो इस साइड मैंने चारों कॉर्ड को पाइपिंग कर लिया। अब इस साइड भी हम सेम इसी प्रकार से इन चारों कॉर्ड को भी इस पे पाइपिंग करेंगे। मैंने यहाँ पाइपिंग कर लिया है। एंड जो बीच में हमारे दो कॉर्ड हैं इसमें मैं ये ब्लू कलर का बीट अटैच कर रही हूँ। एंड यहाँ पर ये आप देख सकते हो, हमारा डिज़ाइन इससे ज्वाइंट हो गया है। अब इस इधर से जो ये चार कॉर्ड है इसमें से हम थ्री कॉर्ड में बीट अटैच करेंगे। ये मैंने ब्लू कलर का इस बार बीट लिया है। एंड मैं यहाँ पे बीट अटैच करने के बाद और ये सारे चार कॉर्ड जो हमारे पास हैं उनका मैं यहाँ पर पाइपिंग कर रही हूँ। तो टोटल हम फाइव कॉर्ड से ये पूरा अपना डिज़ाइन बनाते जा रहे हैं जो अंदर वाला है। तो इसी प्रकार से हम पाइपिंग करके इस लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इसी प्रकार से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। गाइस मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पास से मैं दोनों तरफ की दिखाऊंगी लेफ्ट एंड राइट ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार ऐसा होता है कि राइट का बन जाता है बट लेफ्ट का प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको सभी दिखाऊँगी दोनों तरफ के। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इस साइड का मैंने बना लिया। अब इस साइड में मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। मैं ये वाला कॉर्ड, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है, ये आपको देख सकते हो, ये भी कॉर्ड हमारे हर बार जब भी आप पाइपिंग करो तो बाहर की साइड आपके निकलने चाहिए। आप देख सकते हो ये मेरा इस साइड से बाहर की तरफ सारे कॉर्ड जा रहे हैं।
इन सभी कॉर्ड को इस पर पाइपिंग करना है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे इधर से हम किए थे तो बाहर निकल गए सारे कॉर्ड, तो इस साइड से भी हम पाइपिंग करेंगे और इसे इस प्रकार से इसमें फंसा लेना है। मैं केवल ये सब फंसाने के लिए कर रही हूँ गाइस, आपको जैसे भी सुविधा लगे इसमें फंसाने के लिए रिंग में आप फंसा लो। एंड फिर से हम उसी प्रकार से पाइपिंग कर रहे हैं। अब ये जो थ्री कॉर्ड है, पहले हम वन कॉर्ड से मैंने पाइपिंग कर लिया, और जो ये थ्री कॉर्ड है इस थ्री कॉर्ड में हम बीट अटैच करेंगे, जैसा कि मैंने उस साइड अटैच कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये दो कॉर्ड वन कॉर्ड से पाइपिंग कर लिया, और ये थ्री कॉर्ड है इनमें हम बीट अटैच करेंगे। तो जैसा कि उस साइड मैंने रेड कलर का अटैच किया है, सेम दोनों तरफ आपको सेम कलर का ध्यान रखना होगा और सेम टाइप का डिज़ाइन बनाना है। तो इस प्रकार से अब हम बाकी के कॉर्ड का भी इस पर पाइपिंग कर लेंगे। सो गाइज, इस प्रकार से हम अपने सभी कॉर्ड को इस पर यहाँ पाइपिंग कर लिए, आप देख सकते हो पीच कलर वाला। एंड यहाँ पर जो हमारे सी ग्रीन कलर के हैं, यहाँ पर 10 कॉर्ड है, इसमें से हम दोनों में से दो दो कॉर्ड को ले लेंगे। एंड अब हम सिंपल वाली टाइट सी नॉट लगा लेंगे। ये आप देख सकते हो ये हमारे चार कॉर्ड हैं और इनकी हम सिंपल सी टाइट सी नॉट लगाएंगे सिंपल वाली। सो मैंने यहाँ पे नॉट लगा लिया है। एंड जो बीच के हमारे दो कॉर्ड हैं उन पे हम पाइपिंग करेंगे। ये चार चार कॉर्ड हमें नीचे की तरफ होंगे, उनको हम पाइपिंग करेंगे। जैसा कि हमने लेफ्ट राइट साइड कर रखा है, वैसा ही हम लेफ्ट साइड यहाँ भी पाइपिंग करेंगे। सो यहाँ भी आप देख सकते हो उस साइड की तरफ मैंने पाइपिंग कर लिया है। एंड साइड के जो दो दो कॉर्ड थे उनको पकड़ते हुए हम यहाँ पर सिंपल सी नॉट लगा रहे हैं। एंड इस प्रकार से मैं टाइट सी सिंपल सी नॉट लगा लेने के बाद हमें आगे के डिज़ाइन के लिए इसको जो हमारे पीच कलर वाला यहाँ कॉर्ड है, इन दोनों को एक दूसरे से कैसे भी आपको बस क्रॉस कर देना है ताकि एक दूसरे से फंस जाए। सो हमारा डिज़ाइन यहाँ पर फंसाना है हमें, कैसे भी आप फंसा सकते हो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। एंड इस प्रकार से आप कॉर्ड को एक दूसरे से घुमाते हुए ले जाओगे तो फंस जाते हैं। एंड इस साइड के जो हमारे कॉर्ड होंगे इनको हम इस पर पाइपिंग करेंगे सेम, जैसा कि हमने राइट साइड आपको ऑलरेडी बता रखा है। इस साइड में मैं दिखा रही हूँ क्योंकि कई बार आपको प्रॉब्लम हो जाती है लेफ्ट एंड राइट में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी कॉर्ड थी, एक कॉर्ड पे हमने बीट अटैच नहीं किया था एंड इसको हम पहले पाइपिंग कर लेंगे। एंड यहाँ पर थ्री कॉर्ड में मैंने बीट अटैच किया था। सो ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं चाहती तो चारों कॉर्ड में बीट अटैच करना चाहती थी, बट मेरे जो बीट्स थे उनके होल बहुत छोटे थे तो वो थ्री कॉर्ड में आ रहे थे, तो मैंने थ्री अटैच किया। एंड यहाँ पर ये आप देख सकते हो जो बीच का हमारा कॉर्ड था तो उसमें हमने रेड कलर के बीट अटैच किए हैं और मैं सिंपल सी फिर से पाइपिंग कर रही हूँ यहाँ पर। सेम डिज़ाइन हमें कंटिन्यू करते रहना है गाइस, इन सभी को हम इस पर पाइपिंग करेंगे। तो मैंने पाइपिंग कर लिया है एंड फिर से हमें सिंपल वाली नॉट लगानी है। एंड यहाँ पर का जो हमारा कॉर्ड है इसको हमें डिज़ाइन डालने से पहले यहाँ पर इसको इसमें रिंग में फंसाना होगा। ऐसा हम इस साइड भी कर रहे हैं ताकि हमारे जो डिज़ाइन है वो रिंग में फंस जाए यहाँ पर इस तरह से। आप कैसे भी फंसा सकते हो, बस आपको इस रिंग में अटैच करना होगा। सो एंड बाकी के कॉर्ड को हम इस पर पाइपिंग करेंगे। फर्स्ट वाले कॉर्ड में मैं बीट नहीं अटैच कर रही हूँ, उसके बाद बाकी के थ्री कॉर्ड में हम बीट अटैच करके पाइपिंग करेंगे सेम तरीके से। तो यहाँ के ये जो थ्री कॉर्ड है इसमें हम बीट अटैच करेंगे एंड पाइपिंग करेंगे वापस से। सो गाइस, यहाँ पर ये आप देख सकते हो मैंने सभी कॉर्ड को पाइपिंग कर लिया और वापस से हमें फिर से यहाँ फंसाना होगा डिजाइन को इस प्रकार से। गाइस मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, बिल्कुल वीडियो को नहीं फॉरवर्ड किया है एंड वीडियो बहुत ज़्यादा इस वजह से लॉन्ग हो गई है। सो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दी हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें नहीं आती आप मुझे कमेंट करके पूछो। एंड अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो फिर आपको ट्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में आप मुझे उल्टे सीधे कमेंट करते हो कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। गाइस मेरा काम है आपको सिखाना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं आगे और अच्छे से कोशिश करती रहूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ जाता होगा,
सो जिनको समझ में आ जाए तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी नीटिंग की वीडियो लाने वाली हूँ। बहुत जल्द मैं आपके लिए ब्यूटीफुल सा तोरण लेकर आने वाली हूँ गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है मुझे तोरण मेकिंग की, तो मैं आपके लिए तोरण के डिज़ाइन लाने वाली हूँ। सो अगर आप भी तरह तरह के डिज़ाइन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ आपको डिज़ाइन दिखाती जा रही हूँ गाइस, मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, चाहे वीडियो कितनी भी लॉन्ग क्यों ना हो जाए, बट मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें हम बताने से नहीं समझ पाते, बट उसको देखकर समझ लेते हैं, सो मैंने वीडियो को कट नहीं किया। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने तब तक डिज़ाइन को कंटिन्यू रखा जब तक कि हमारे साइड में 7-7 ग्रीन कलर के फ्लावर्स ना बन गए हो, लीफ के डिज़ाइन। आप देख सकते हो दोनों तरफ 7-7 लीफ के डिज़ाइन मैंने बना लिए हैं, और ये जो 8वां मैं बना रही हूँ भी मैंने इसको हाफ रखा, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया है, डिज़ाइन को स्टॉप किया था, क्योंकि यहाँ आपको कुछ बताना था कि जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो इसे हम इसमें ज्वाइंट नहीं करेंगे अपने पीच कलर वाले में, इसे हम साइड में निकाल देंगे, सो यहाँ से हमारा डिज़ाइन अलग हो जाएगा। अंदर पीच वाला आपको रिंग के साथ करना है, बट इसे आपको बिल्कुल भी उसे ज्वाइंट नहीं करना है, और यहाँ पे इसे कवर करके छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ पर छोड़ देना होगा। एंड ये जो पीच कलर के कॉर्ड हैं इनमें हम इन सभी कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे, सेम अपना डिज़ाइन कंटिन्यू रखेंगे अंदर वाला, बट बाहर वाला हमें स्टॉप कर देना है 8 डिज़ाइन पर लाकर। और जो 7 डिज़ाइन तक हमने ज्वाइंट किया है, और जो 8 नंबर का जो हमने फ्लावर डाला था अभी, उसे हम बिल्कुल भी पीच वाले के साथ ज्वाइंट नहीं किए, उसे छोड़ दिया मैंने। एंड यहाँ पर अपना डिज़ाइन मैं कंटिन्यू रख रही हूँ तब तक जब तक कि हमारा रिंग यहाँ तक ना आ जाती। इसके बाद से आप देख सकते हो 1, 2, 3 हमने रेड कलर के बीट तक डिज़ाइन को कंटिन्यू रखा है, तो इसके बाद आपकी रिंग जो है एकदम एक पास आ जाएगी और एक डिज़ाइन और बनेगा। सो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको अपनी रिंग अटैच करनी होगी नेक्स्ट, तो ये मैं सेकंड अपनी 10 इंच की रिंग ले रही हूँ, एंड इस प्रकार से मैंने इसे उल्टा कर दिया, एंड यहाँ पर इस पीच कलर के कॉर्ड से मैं इस रिंग को अटैच कर लूँगी। सो इस प्रकार से मैं 2-2 टाइम लपेटा लगाकर पाइपिंग करूँगी रिंग पर, तो ये हमारी रिंग यहाँ अटैच हो जाएगी। सो यहाँ पर हमारी रिंग अटैच हो गई है, एंड इसके बाद से ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये दो कॉर्ड थी, हमने दोनों को अटैच कर लिया, एंड ये हमारा मिरर है, पहले मैं मिरर रख रही हूँ, फिर इसके बाद से हम अपना कॉर्डबोर्ड लगा देंगे जिससे हमारा मिरर बैक साइड से ख़राब नहीं होगा। इस वजह से हमने इसे कट किया था, ये ऑप्शनल है, बट मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर लगाओ, इससे आपका मिरर सेफ़ रहता है। सो ये कार्डबोर्ड मैंने लगा दिया है, एंड इसके बाद से आपको इसे अच्छे से यहाँ पर अटैच करना होगा, और यहाँ पर जब आप इसे पाइपिंग करोगे तो आपको बिल्कुल भी इसे हैंग नहीं करना है, क्योंकि आपकी मिरर यहाँ अटैच नहीं हुई है, सिर्फ मैंने यहाँ पर अपने कॉर्ड से इसे आगे की तरफ कॉर्ड ले जाने के लिए ऐसा किया है। रिंग आपकी मिरर साइड से निकल सकती है, तो बिल्कुल भी हैंग ना करे, एंड इस प्रकार से मैं पाइपिंग कर लूँगी। सो मैंने यहाँ पाइपिंग कर लिया, अब मैं इसे आगे की तरफ कर लूँगी सीधे साइड, एंड यहाँ पर जो हमारे नीचे के दो कॉर्ड थे बैक साइड से आ रहे थे, उन्हें हम फ्रंट वाले जो हमारा फ्रंट वाला रिंग है ऊपर का उस पर हम पाइपिंग कर रहे हैं सेम वैसे ही, 1 एंड यहाँ पर 2 टाइम हम हमेशा पाइपिंग करते हैं, तो यहाँ 2 टाइम मैं लपेटा लगा रही हूँ अपने रिंग पर जो पीछे के हमारे 2 कॉर्ड थे उनको आगे की तरफ लाते हुए।
सो यहाँ मैंने पाइपिंग कर लिया है, दोनों कॉर्ड को आप देख सकते हो और इधर साइड से आपके मिरर निकल सकते हैं। एंड यहाँ पर ये दो कॉर्ड हैं हमारे, इन्हें पाइपिंग करने के बाद इसमें हम बीट अटैच करेंगे ब्लू कलर वाला, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने डिज़ाइन को अब एंड करना है। तो एंड करने के लिए यहाँ के जो चार कॉर्ड है उसमें से एक कॉर्ड मैंने ले लिया है, एंड जो हमारे जो ऑलरेडी हमारे कॉर्ड रिंग में अटैच होते आ रहे थे उन्हीं कॉर्ड पर मैं इसे पाइपिंग कर रही हूँ। इस प्रकार से दो कॉर्ड उस लेफ्ट एंड दो राइट, इस प्रकार से करते हुए मैं पाइपिंग कर रही हूँ। तो वन एंड ये टू नंबर का हमारा कॉर्ड है, टू कॉर्ड मैंने पाइपिंग कर दिया है एंड सेम इस साइड भी हम वैसे ही पाइपिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये एक कॉर्ड मैंने जो फोर कॉर्ड थे उसमें कर लिया है एंड जो हमारे रिंग में कॉर्ड आ रही थी उस पर मैंने उस कॉर्ड को लेते हुए पाइपिंग किया है। एंड जो दो कॉर्ड में हमने बीट अटैच किया था उसमें से एक कॉर्ड मैंने लेफ्ट साइड पाइपिंग किया था, एक को मैं अब राइट साइड पाइपिंग कर रही हूँ। तो इस प्रकार से पाइपिंग कर लेने के बाद आपको आप अच्छे से खींच कर अटैच कर लो अपने मिरर पे पूरा और इसे इन दोनों को एक दूसरे पर पाइपिंग कर लेंगे। सो यहाँ आप देखोगे कि आपका डिज़ाइन पूरी तरह से कवर हो गया है पूरे मिरर पे, अच्छे से यहाँ पर आ गया है बनकर। यहाँ पर सभी डिज़ाइन हमारे पैक हो चुके हैं और यहाँ पर जो फाइव कॉर्ड आ रहे होंगे वापस हमें इसमें अपना बिग साइज वाला बीट अटैच करना है। ये जो हमने एट पीस लिए थे बिग साइज वाले बीट, इन्हें हम इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने अटैच कर लिया, सेम इस साइड भी हम फाइव कॉर्ड पे बीट अटैच करेंगे। दोनों तरफ मैंने फाइव फाइव कॉर्ड को पकड़ते हुए बीट अटैच कर लिया एंड जो बीच में हमारे टू कॉर्ड थे इस पर हम टू बीट अटैच कर रहे हैं रेड एंड ब्लू कलर का। एंड यहाँ पर ये जो हमारे ग्रीन वाले लीफ वाले डिज़ाइन आ रहे थे साइड में, इनमें इन दोनों को हम एक दूसरे पर पैक कर देंगे इस प्रकार से। सेम ऐसे इस साइड के जो हमने छोड़ रखे थे इसमें भी हम पैक कर लेंगे। और फिर इसके बाद से हमने अपनी 10 इंच की जो वुडन स्टिक है उसे ली है एंड इस प्रकार से अब हम इस पर अपने सभी कॉर्ड को अटैच करेंगे। सो स्टिक पर हम अपने सभी कॉर्ड को अटैच कर लेने के बाद यहाँ पर अब अपना आगे का डिज़ाइन बताने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी गाइस। तब तक आप अपने मिरर को बिल्कुल भी ना हिलाए डुलाए, अदरवाइज वो साइड से निकल सकती है, ये आप देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।